मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे रव, मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जय, मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे रव, मन मंदिर में ओ, मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जय करे राम, मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जय करे राम, ओ मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जय करे राम, मन मंदिर में मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जय करे राम, मन मंदिर में गूंजते ओ मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जय करे राम, मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जय करे राम, तेरे जय जय करे राम, तेरे जय जय तेरे जय जय करे राम, तेरे जय जय करे राम, तेरे जय जय राम, तेरे जय जय करे राम, तेरे जय जय करे राम, तेरे जय जय करे राम, मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जय करे राम, मन मंदिर में गूंजते तेरे जय, मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे राम, मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे राम। बहुत बहुत धन्यवाद देवियों। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज संत रामानंद की चर्चा शुरू की है। चर्चा तो तुलाधार की चल रही थी, तपस्वी जाचली हुए हैं, ज्ञान का अभिमान हो गया, तपस्या का अभिमान हो गया। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, साधक जनों अपने भक्त के अंदर अभिमान सहन नहीं कर सकते, उनके लिए एक बड़ी कठिनाई इससे उत्पन्न हो जाती है और वे ढंग ढूंढते हैं किस प्रकार से इसके अभिमान को शिथिल किया जाए, नष्ट किया जाए। कैसी करुणा है परमात्मा की, मेरे और भक्त के बीच यही एक बहुत बड़ी दीवार है, इसे टूटना चाहिए। आकाशवाणी हुई, जाजली तपस्वी धर्म का सार समझना चाहता है, जानना चाहता है, तो काशी में एक वेश एक दुकानदार व्यापारी हैं तुलाधार, जाके उनकी सत्संगति कर। आप ध्यान दे देवियों सज्जनों, किसको ये आदेश मिल रहा है? एक महान तपस्वी है जाजली, लेकिन उतने ही महान रोग से ग्रस्त है। इसका रोग ठीक होना चाहिए। अतएव एक व्यापारी जो धर्म का मर्मज्ञ है, दुकानदारी चलाता है, यूं कहिए हमारी तरह ग्रस्त है। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से उसे आदेश दिया है, जा उसके पास जाके धर्म का सार समझ, उसकी सत्संगति में जाके बैठ। बेचारा चल पड़ा है, काशी पहुंच के क्या देखता है, तुलाधर अपनी दुकान पर बैठा है, ग्राहक आ रहे हैं, तरह तरह का सौदा इसके पास है, तोल तोल के देता जा रहा है, पैसे लेता जा रहा है, चेहरे पर मुस्कान है, कोई कुड़न नहीं, कोई थकान नहीं, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं, निश्चिंत चेहरा है, शांत चेहरा। तुलाधर अपने काम में मस्त है। एक तपस्वी को पास खड़े देखा तो कहा तपस्वी, आकाशवाणी ने भी तपस्वी कहा था,
इधर तुलाधार भी तपस्वी ही कह रहे हैं। तपस्वी आकाशवाणी सुन के आए हो और अपने काम में लग गए, मन बहुत क्षुब्ध हुआ, इसको कैसे पता लग गया कि मैं आकाशवाणी सुन के आया हूं। अतएव पूछा, आपको कैसे पता लगा कि मैं आकाशवाणी सुन के आया हूं और किस प्रयोजन से मुझे भेजा गया है? तुलाधार कहते हैं, सब परमेश्वर कृपा है। तेरा गुरु कौन है? याजी ने पूछा तो तराजू था, उसे यूं करके कहते हैं, मेरा तराजू ही मेरा गुरु है। क्या अर्थ है इसका? तुलाधार समझाते हैं, तपस्वी परमेश्वर के पास मैं तराजू की डंडी सीधी रखता हूं, तोलने में कभी कोई गड़बड़ नहीं की। परमेश्वर की कृपा है, मैं बुद्धि भी अपनी सही रखता हूं, बिल्कुल डंडी की तरह सीधी। देखो एक गृहस्थ के उपदेश, उपदेश क्या? अपना जीवन बता रहे हैं। उपदेश देने वाले तो बहुत, लेकिन अपना जीवन समझाने वाला अपने जीवन से कोई बिरला। जीवन से जीवन समझाने वाला व्यक्ति, उसकी आवाज यहां से नहीं निकलती, जीवन से निकलती है, हृदय से निकलती है। तो बहुत फर्क है यहां से निकलने से और हृदय से निकलने से। हृदय से निकली वाणी सीधी हृदय में जाके प्रवेश करती है, यहां से निकली वाणी इधर से व्यक्ति सुनता है और इधर से निकल देता है। जमीन आसमान का अंतर है दोनों वाणियों में। तपस्वी, मेरी तराजू की डंडी सीधी, मेरी बुद्धि भी सीधी, कभी तोलने में गड़बड़ नहीं की। मेरे सामने कोई बच्चा आए या बूढ़ा, उसे भाव पता है या नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि किस भाव से इसे देना है। मैं अपना भाव बदलता नहीं, जो भी मेरे पास कोई कस्टमर आता है, मैं समझता हूं मेरे पास परमात्मा आ गए। मैं जैसा व्यवहार परमात्मा से करता हूं, वैसा ही व्यवहार ग्राहक से करता हूं। कभी झूठ नहीं बोलता, कभी बेईमानी नहीं की, कभी हेरा फेरी नहीं की, कभी मिलावट नहीं की। ऐसी चीजें बेचने वाला मानो जिसमें मिलावट की जा सकती है, मैंने कभी कोई मिलावट नहीं की। कभी कोई हानिकारक चीज नहीं बेची, कोई निंदनीय चीज मैं नहीं बेची। न मेरा किसी से द्वेष है, न मैं घृणा करता हूं, ना मेरी ईर्ष्या किसी से। मेरा जीवन हर प्रकार से परमेश्वर के पास से बहुत सुंदर है। माता पिता की सेवा ऐसे ही करता हूं जैसे परमात्मा की जानी चाहिए। मेरे लिए उनमें और माता पिता में कोई अंतर नहीं है। मैं किसी का अनिष्ट सोचता नहीं, बोलता नहीं, करता नहीं, किसी की निंदा नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता, परमेश्वर का नाम जपता रहता हूं जो मुझे समय मिलता है, जितना समय मिलता है, कामकाज करते हुए परमात्मा का नाम जपता रहता हूं। यही मेरी दिनचर्या है। ऐसी जीवन को ही सद्वचनों, सत्य का जीवन, सदाचारी जीवन कहा जाता है। जाजिली ने इसी सब कुछ सुना,
कहते हैं तुलाधार को अपना गुरु स्वीकार कर लिया।